नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रत्तेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो पे। इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और आज का टॉपिक है डार्विन की थ्योरी जो उन्होंने एवोल्यूशन को लेकर दी थी। इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। आज भी हम इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, ये थ्योरी सत्य मानी जाती है आज भी। चलिए पढ़ते हैं। आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम की ऐप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कीजिए एंड देन यू कैन पुट दिस लिंक। जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे और हमारी सभी नोटिफिकेशंस बकायदा आपको मिलती रहेंगी। और कोई भी बात जो टीचर्स आपसे करना चाहते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी नोट कर लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। देन क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है और ये बहुत ही अलग है जितने भी कोचिंग सेंटर्स में या जहाँ पे भी आपने आज तक पढ़ाई की है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ये ऑनलाइन हो। यहाँ पर 40 से अधिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सो यू हैव अ चॉइस ऑफ टीचर्स कि आपको किससे पढ़ना है। आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है जैसा ऑफलाइन में होता है कि जो टीचर आपको असाइन हो गया है आपको अब उन्हीं से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए। देर आर 40 टीचर्स, यू चूज़ योर टीचर्स। देन इतने सारे टीचर्स जो हैं वो इतने सारे कोर्सेज बनाकर पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। अब ये सारे टीचर्स एक ही चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अपना अपना कोर्स बना के पढ़ा रहे हैं। तो कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा साल के एंड तक कि उस चैप्टर की बारी आएगी तब आप समझोगे। कोई ना कोई टीचर उस चैप्टर को पढ़ा चुका होगा या पढ़ा रहा होगा, तो या तो आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएगा या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में वो टॉपिक मिल जाएगा। तो भले ही आपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी किया हुआ हो तो भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज आप बहुत महंगे में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हम आपको टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री देते हैं अपने कोर्स के साथ। प्लस वन की टेस्ट सीरीज अलग, प्लस टू की टेस्ट सीरीज अलग और ड्रॉपर्स की टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कितने टेस्ट देना चाहते हैं। ये सभी के सभी आपको एक पैकेज में मिलेंगे। अगर आप अगले 6 महीने के लिए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नीट में अभी 6 ही महीने रह गए हैं, तो आप 6 महीने का पैक ले सकते हैं जो सिर्फ आपको 21,000 रुपये का पड़ेगा, 21,600 का पड़ेगा, ठीक है? 21,600 में सभी टीचर्स की टीचिंग, ये टेस्ट सीरीज, क्विजेज, एवरीथिंग एट योर हाउस, एट योर डोर स्टेप। कैसे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट पेज खुलेगा, प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद नीट एंड एम्स का ऑप्शन चूज करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। उसके बाद आपको टाइम चूज करना होगा, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years। अभी जो नीट 2020 का एग्जाम देना चाहते हैं दे विल गो फॉर 6 months, ओके? 6 months की फीस आपको दिखाएगा 24,000 रुपीज, परंतु 24 को 21,000 करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये फ्रंट पेज इस तरीके से खुलेगा। आपसे यहाँ पे कोड पूछेगा, यहाँ पे आपको कोड डालना है ऋतु लाइव, ये कोड याद रखना है ऋतु लाइव। कोड डालते ही आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं उसका 10% ऑफ मिलेगा आपको। तो 24,000 का 10% ऑफ कर दोगे आप, 2400 निकाल लो, 21,600 में पड़ जाएगा। यदि 1 year कोर्स ले रहे हो तो 30,000 का, जैसे प्लस वन का बच्चा ले सकता है, तो 10% निकाल के 27,000 का पड़ जाएगा। 2 year वाला 48,000 का है, निकाल के 43,200 का पड़ जाएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, मेरी पूरे कोर्स, मतलब नीट में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी लाइन से, कौन से कॉमा से, कौन से फुल स्टॉप तक क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है? चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, ये सभी बच्चों को पता है। हमारी साइंटिफिक इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं, इनका नाम टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में लिया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
1859 में ये बुक पब्लिश हुई थी, तो लैमार्क ने जब अपनी थ्योरी दी थी उससे अराउंड 60 साल के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए, दो तीन साइंटिस्ट आपको डार्विन के साथ और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, तभी आप डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस मैल्थस। थोड़ा ऊपर लिख देती हूं, ये सभी साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुके हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक साइंटिस्ट थे थॉमस मैल्थस, उन्होंने एक बुक लिखी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। डार्विन इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ही इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। इस बुक में थॉमस मैल्थस ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिसको कि डार्विन ने एज सच अपनी थ्योरी में यूज कर दिया। अब थॉमस मैल्थस ने क्या कहा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहली बात जो थॉमस मैल्थस ने कही वो ये कही कि अ स्पीशीज हैज अनचेक्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है किसी स्पीशीज के पास। ठीक है, वो कितने भी बच्चे पैदा करके पूरी, मतलब एक बैक्टीरिया को लगा लो, वो 20 मिनट्स में एक बार अपना साइकिल चलाता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो अगर इस बैक्टीरिया को अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो पूरी धरती को कवर कर देगा। ठीक है, रैबिट्स का एक पेयर बहुत सारे रैबिट्स बनाता है एक बार के रिप्रोडक्शन में, तो इस दुनिया में रैबिट्स ही रैबिट्स हो जाने चाहिए। ठीक है, सो अ स्पीशीज हैज अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। पहला पॉइंट क्लियर है, एक स्पीशीज के पास हद से ज्यादा पोटेंशियल है बच्चे पैदा करने के लिए, परंतु हम नेचर में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। कोई भी स्पीशीज ऐसे धड़ाधड़ बढ़ती नहीं जाती है। ह्यूमंस तो फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पर अगर दूसरे स्पीशीज की करें तो वो तो बढ़ती नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। सो अगला पॉइंट ये है, बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। लेकिन ये कॉन्स्टेंट रहते हैं, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। समझ रहे हो? देखो, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन रेनी सीजन में बढ़ जाती है, मच्छरों की रेनी सीजन में बढ़ जाती है, देन बहुत सारे उड़ने वाले वो होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रेनी सीजन में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। ठीक है, इन छोटी मोटी सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ के किसी भी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो जब ये अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है तो एक स्पीशीज को चेक में कौन रखता है? उनको एकदम से बाढ़ क्यों नहीं आ जाती उस ऑर्गेनिज्म की? एक नंबर लेवल कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकें। सो अगला पॉइंट है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसीलिए भैया, जब अगर देखो मान लो ह्यूमन पॉपुलेशन है, अब हम कितना भी बढ़ने की कोशिश करें, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो ह्यूमन बींग्स की डेथ होने लगेगी। इस तरीके के चेक्स जो हैं वो वापस ह्यूमन पॉपुलेशन को दायरे में ले आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। दो पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये लिखा कि एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन चलता है। सो देखो, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है सो अगला पॉइंट आएगा कंपटीशन का, नेक्स्ट पॉइंट आएगा
कंपटीशन भैया, रिसोर्सेज कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन तो होगा ही उस रिसोर्स के लिए। कंपटीशन दो प्रकार का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, जैसे कि एक क्रो और एक पिजन के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाए दानों को लेके। इंट्रा स्पेसिफिक होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में कंपटीशन है। हम सभी खाने के लिए भागते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास घर हो, हम सभी चाहते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े हो। सो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, एक ही स्पीशीज़ के लोगों के बीच में कंपटीशन। ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक मोर सीवियर है, क्योंकि भैया इनकी रिक्वायरमेंट्स भी तो सेम है ना, एक स्पीशी के लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा सिमिलर होंगी ना, तो ज़्यादा सीवियर ये कॉम्पिटिशन है। अब इस कंपटीशन को कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग इस कंपटीशन में हार जाते हैं, बिकॉज एवरी स्पीशी हैज वेरिएशंस। हम सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई ह्यूमन बीइंग लंबा है, कोई ह्यूमन बीइंग छोटा है, कोई ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है, कोई ह्यूमन बीइंग डल है, तो हमारे सबके अंदर वेरिएशंस होती हैं। कुछ के पास कुछ बहुत ही बेटर वेरिएशंस होती हैं, जैसे कुछ इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंट होते हैं तो वो बेटर सर्वाइव कर पाते हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा कर पाते हैं। कभी जो हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनके पास अच्छी खासी जॉब्स होती हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं तो रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा होते हैं। सो अगला पॉइंट है, देयर आर वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब वेरिएशंस दो प्रकार की होती हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। या डिसकॉन्टिन्यूअस इधर लिख लेती हूँ और कॉन्टिन्यूअस इधर लिख लेती हूँ। देखो, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होती है कि एक दिन एक ऑर्गेनिज्म था, उसने बेबीज पैदा किए और उन बेबीज के पंख थे, और जबकि उस ऑर्गेनिज्म के पास पंख भी नहीं था। सो एक बहुत ही अजीब सी वेरिएशन हो गई है, जो कि जिसका नामो निशान नहीं था पहले, तो ये म्यूटेशन से होगी। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस म्यूटेशन से होंगी। डार्विन को म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो डार्विन ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ही डिड नॉट टॉक अबाउट दिस। ठीक है, उन्होंने म्यूटेशंस को ऑब्जर्व किया, म्यूटेशंस को नाम दिया स्पोर्ट्स, बट उसके बारे में कोई बात नहीं किया। डार्विन ने बात किया कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। जैसे कि अगर ह्यूमन हाइट की बात करें तो ह्यूमन हाइट में छोटे से लेके बड़े तक सारे रेंज मिल जाते हैं, और 5 से 6 फीट के बीच में सारे ह्यूमंस आ जाते हैं, है ना। 5 फीट से कम भी बहुत कम ह्यूमंस होते हैं, 6 फीट से ज़्यादा भी बहुत कम ह्यूमंस होते हैं। सो जिन वेरिएशंस की डार्विन ने और माल्थस ने बात की थी वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस थी, छोटी 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 वेरिएशंस। ठीक है, अब इन वेरिएशंस में से सम आर हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड सम आर नॉट हेल्पफुल। सो इन वेरिएशंस में से सम आर हेल्पफुल, सम आर नॉट सो हेल्पफुल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, सो जिनके पास ये हेल्पफुल वेरिएशन हैं वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में। ये थॉमस माल्थस ने कहा था, मैं तुमको रिवाइज करा देती हूँ थॉमस माल्थस ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हर स्पीशीज़ के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए, परंतु स्पीशीज़ का नंबर अनलिमिटेड ग्रोथ तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है तो भाई खाने पीने के लिए कहाँ से लाओगे? तो हमेशा स्पीशीज़ का लेवल भी लिमिटेड ही रहता है। अब इससे कॉम्पिटिशन का जन्म होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कॉम्पिटिशन तो होगा। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी होगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी होगा। इंट्रा वाला ज़्यादा खतरनाक कॉम्पिटिशन है। ठीक है, अब उस कंपटीशन में कुछ लोग जीत जाएंगे, कुछ लोग रिसोर्सेज को ले पाएंगे, कुछ लोग नहीं ले पाएंगे, तो कौन जीतेगा? अब ऑर्गेनिजम्स के पास वेरिएशंस होती हैं, थोड़ी 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 वेरिएशंस। जिनके पास हेल्पफुल वेरिएशन होती है वो बेटर तरीके से वो उस कंपटीशन को जीत जाएंगे एंड वो रिसोर्सेज को ले लेंगे। जिनके पास हेल्पफुल वेरिएशन नहीं होती वो बेचारे रिसोर्सेज को नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक माल्थस ने कहा था। डार्विन ने इसके आगे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी, बस एक बहुत इनोवेटिव पॉइंट ऐड किया डार्विन ने। उन्होंने कहा
जिनके पास ये हेल्पफुल वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, दे विल सर्वाइव बेटर, जिसको कि आगे जाके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने टर्म दी थी, लेकिन डार्विन का भी कहने का मतलब तो यही था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये टर्म अगर पूछी जाए किसने दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, हालांकि नीट में कोई पूछेगा नहीं। तो डार्विन ने कहा जिनके पास ये हेल्पफुल वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव करेंगे, और क्योंकि वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू हैव मोर बेबीज। जिंदा रहे, मतलब बच्चे पैदा करने की नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या है, कि तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। अगर तुम मर ही गए, नॉट सो हेल्पफुल वेरिएशंस है तुम्हारे पास, तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तुम बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। जो जिंदा है, जिनके पास हेल्पफुल वेरिएशंस है, वो जिंदा रह के दे विल हैव बेबीज। दैट मीन्स देयर जीन्स, इनका जो हेल्पफुल वाला जेनेटिक मेकअप है ना, देयर जीन्स विल गेट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। बस डार्विन ने इतनी बात बोली थी यहां से यहां तक कि जिनके पास भी बेटर वेरिएशंस होती हैं वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, और ज़्यादा सर्वाइव करने की वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं, तो उनके जो बेनिफिशियल जीन्स हैं वो अगली जनरेशन में चले जाते हैं। दैट मीन्स देयर जीन्स आर सिलेक्टेड टू गो इन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओ यू आर सिलेक्टेड, लाइए अपने जीन्स, हम अगली जनरेशन में भेज देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन के ने बस इसके आगे एक पॉइंट ऐड कर दिया, नेचुरल सिलेक्शन का। अभी क्लियर हुआ डार्विन ने क्या बोला था? दोबारा से, माल्थस ने क्या कहा था कि भैया फूड कम है तो स्पीशीज में मेंबर ज्यादा हैं, तो कंपटीशन होने लगता है। कंपटीशन की वजह से जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो जिंदा रह जाते हैं, बाकी मर जाते हैं। अब डार्विन ने क्या कह दिया, जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा बेबीज़ पैदा कर पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो बेबीज़ पैदा कर पाएंगे। ज़्यादा बेबीज़ पैदा करने से उनका जेनेटिक मेकअप नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन है क्या? दैट नेचर ने आपके जीन सिलेक्ट कर लिए अगली जनरेशन में जाने के लिए। अब नेचर कोई बंदी थोड़े बे जो आके सिलेक्ट कर लेगी, यू योर जीन्स लाओ अगली जनरेशन में पास कर दो। सिंपल मीनिंग ये है दैट इस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके जीन्स बढ़िया थे, इसलिए आपने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए और आपके जीन्स अगली जनरेशन में चले गए। बस इतनी सी बात है। एंड ड्यू टू ये जीन्स, क्योंकि बार बार सिलेक्ट होते जाएंगे, स्पीशिएशन हो जाएगी, बेटर एंड बेटर स्पीशीज बनती जाएंगी इस वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बताती हूँ। एक दो बातें कुछ और इम्पॉर्टेंट है। यू आर डन? देखिए, एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट है। डार्विन ने दो पॉइंट्स दिए अपनी थ्योरी के, टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। पहला, फर्स्ट पॉइंट इज ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग आपको पता चल गया, बेटर जिनके पास बेटर वेरिएशंस होती हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो अपनी जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में भेज देते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन है। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल, कोई एक स्पीशीज है, स्पीशीज वन, उससे हो सकता है आगे दो स्पीशीज बन जाए। इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो के दो स्पीशीज बन जाए, इस सेकंड स्पीशीज से हो सकता है आगे फिर से तीन स्पीशीज बन जाए। स्पीशीज ए स्टार, स्पीशीज डब्बा, स्पीशीज ट्राइंगल। ठीक है, ये ब्रांचिंग डिसेंट है, एक स्पीशीज से दो बनना, दो से तीन बनना। और ये बनेगा क्यों? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि सर्टेन इंडिविजुअल्स विल हैव बेटर वेरिएशंस। बस डार्विन की थ्योरी में ये है। एक साइंटिस्ट तुमको और पता होने चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक साइंटिस्ट और पता होने चाहिए तुमको। इनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड वेलेस,
इन्होंने भी सेम कंक्लूजन्स निकाले जो डार्विन ने कंक्लूजन निकाले थे, परंतु उन्होंने एक अलग जगह पे काम किया। उनके काम करने की जगह को बोलते हैं मले आर्चिफिलागो। जो कि मॉडर्न डे इंडोनेशिया है, ठीक है। सो ही कंक्लूडेड सिमिलर पॉइंट्स बोल दो एज डार्विन। सो इनकी और डार्विन की रिसर्च एक साथ पब्लिश हुई थी। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वैलेस। थॉमस मैल्थस पहले वाले का नाम है जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, अल्फ्रेड वैलेस दूसरे वाले का नाम है जिन्होंने सेम कंक्लूजन निकाले थे डार्विन जैसे। बस काम कहाँ पे किया था, मलय आर्चिपिलागो में किया था। ये सब एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है, इसलिए अपने को याद करनी है। अब डार्विन की थ्योरी को हम जिराफ वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने में कैसे लगा सकते हैं। हमने लमार्क को कहा था, लमार्क ने तो बहुत गंदी थ्योरी दी थी, हमने रिजेक्ट कर दी थी। तो लेमार्क ने क्या कहा था और डार्विन कैसे उसको एक्सप्लेन करिए, आप देखते हैं। लेमार्क ने क्या कहा था, जिराफ है, ठीक है, पहले जिराफ ऐसे नहीं थे, जिराफ कुछ छोटे छोटे एनिमल्स से बने थे, घोड़े जैसे गधे जैसे एनिमल्स थे जो जिराफ के एंसेस्टर थे। फिर लेमार्क ने क्या कहा था कि भैया पहले ना ये यहाँ पे पड़ी हुई घास खाते थे तो इनको कोई गर्दन स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद जब ये घास खत्म हो गई तो ये बेचारे से स्ट्रेच कर करके पत्ते खाने लगे, पेड़ों से पत्ते खाने लगे, ठीक है। इनकी गर्दनें लंबी खींच के लंबी कर ली इन्होंने। ये लेमार्क की थ्योरी है ना। फिर जिन्होंने अपनी गर्दनें लंबी कर ली खींच खींच के, उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए। ये लेमार्क ने गलत बोला था, है ना। लेमार्क ने कहा था द इंडिविजुअल्स एक्वायर सर्टेन कैरेक्टर्स एंड दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स देन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए, फिर उन्होंने खींच खींच के और लंबी कर ली, फिर उनके बच्चे फिर से लंबी गर्दन वाले पैदा हुए और धीरे धीरे जिराफ बन गया। पर हमने अभी पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि लेमार्क की थ्योरी गलत थी। अगर डार्विन इस चीज़ को एक्सप्लेन करते तो वो कैसे एक्सप्लेन करते। डार्विन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते कि जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे उनके पास गर्दन में हल्की हल्की वेरिएशन थी, ठीक है। कुछ थोड़ी छोटी गर्दन वाले थे, कुछ थोड़ी लंबी गर्दन वाले थे, बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमंस लंबे और छोटे होते हैं हाइट में। तो जब ये नीचे वाला घास खत्म हुआ, पहले तो ये नीचे वाला घास खाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये घास खत्म हो गया, अब इनको धीरे धीरे पेड़ के पत्ते खाना शुरू करना पड़ा। अब क्या हुआ, जो थोड़े लंबी गर्दन वाला जिराफ था, है ना, वेरिएशन थी ना गर्दन में, तो जो थोड़ी लंबी गर्दन वाला जिराफ था वो थोड़ा इजीली पत्ते खा पाता था, जो थोड़ी छोटी गर्दन वाला जिराफ था वो थोड़ा, जिराफ भी नहीं, आई एम सो सॉरी, जिराफ का एंसेस्टर, ठीक है। सो जो छोटी गर्दन वाला था वो नहीं खा पाता था, जो लंबी गर्दन वाला था वो खा पाता था। तो लंबी गर्दन वाले को फूड ज़्यादा मिलता था, है ना, तो वो बेटर सर्वाइव कर पाता था। छोटी गर्दन वाले मर गए बेचारे, देखो कुछ छोटी गर्दन वाले थे कुछ लंबी गर्दन वाले थे, अब ये भी मर गया छोटी गर्दन वाला, ये भी मर गया छोटी गर्दन वाला, क्योंकि ये फूड तक पहुँच ही नहीं पाए। ये वन और ये टू जिंदा रह गए क्योंकि देखो इनकी लंबी गर्दनें हैं तो ये पहुंच पा रहे हैं। अब ये वन और टू ने मेटिंग कर ली, क्योंकि भैया मेटिंग भी तो आप उसी के साथ करोगे ना जो जिंदा रहेगा। वन और टू ने मेटिंग कर ली तो अब जेनेटिकली इनकी गर्दन हल्की सी लंबी है ना, ये तो नहीं कि इन्होंने एक्वायर करी है खींच खींच के तब, नहीं, जेनेटिकली इनके पास हल्की सी लंबी गर्दन थी और इनके पास हल्की सी छोटी गर्दन थी। अब ये लंबी गर्दन वालों ने मेट किया वन और टू ने, तो इनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए, क्योंकि ये जेनेटिक्स की वजह से है, तो लंबी हाइट वाले लंबी गर्दन वाले जो जीन्स थे वो सिलेक्ट हो गए नेचर द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन से अगली जनरेशन में चले गए। अब इनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए हैं, अब जब ये मेट करेंगे तो इनमें से जो इनके बच्चे थोड़ी ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे, वेरिएशन तो फिर से आएगी ना, सो थोड़ी ज़्यादा लंबी वाले जो होंगे वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से पत्तों को खा पाएंगे, फिर वो मेट कर जाएंगे, ठीक है, फिर उनके बच्चों में फिर से वेरिएशन आएगी, फिर जो ज़्यादा गर्दन लंबी वाले होंगे फिर वो मेट करेंगे, समझ रहे हो। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन से जिराफ की गर्दन लंबी होती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लेमार्क ने क्या कहा था। लेमार्क ने कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे पास होएगा, खींच खींच के गर्दन लंबी होगी फिर उसके बच्चे भी गर्दन लंबी होएगी, ऐसा नहीं होता। डार्विन ने क्या कहा कि नेचुरली ही जीन्स की वजह से ही कुछ की गर्दन लंबी होती है कुछ की छोटी, जिनकी लंबी है
वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों की गर्दन भी लंबी होगी, फिर उनमें से भी कुछ बच्चों की ज़्यादा गर्दन लंबी होगी, फिर वो मेट करेंगे क्योंकि बाकी वाले थोड़ा कम सर्वाइव कर पाएंगे, फिर उनसे और लंबी गर्दन वाले बनेंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर तुम इसी तरीके से मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो बहुत आसान है, प्लस पे मुझे ज्वाइन करो, वीडियो के शुरुआत में दिया गया है प्लस पे कैसे ज्वाइन करना है, और ये कोड नहीं भूलेंगे। फाइनेंशियली आपको फायदा होगा इस कोड से, आपके 10% फीस बच जाएगी। सो यूज़ दिस कोड वाइल गोइंग फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इस वीडियो को लाइक करेंगे आप, जितना मेरी वीडियोस को स्प्रेड करते हैं, जितना मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उतना ही मुझे पता चलता जाता है कि यू एक्चुअली लाइक माय वीडियोस और मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो स्प्रेड दीज वीडियोस, लाइक दीज वीडियोस, अभी के अभी बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक कर लेंगे ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं आपको, एंड टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।